बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इट्स मी शुमाइला सैनी। क्या हाल चाल है आप लोग के? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। और आज की कोई चैलेंज का व्लॉग नहीं है, आज सिर्फ नॉर्मल एक रूटीन है। शाम की चाय मैं पी रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शाम की रूटीन जो है आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन शेयर की जाए। तो ये चाय आप भी पीजिए और मुझे बताइएगा किस किस को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और कौन जो है वो किसकी रूटीन में ये शामिल है डेली रूटीन में कि वो चाय जो है वो डेली पीता हो। और मुझे काफ़ी जो है जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ मेरा सर का दर्द जाता नहीं है। तो एक शाम में, एक रात में और एक सुबह बहुत ज़्यादा जो है ये ज़रूरी हो जाती है मेरे लिए चाय को पीना। और इस टाइम जो कमरा है वो बिल्कुल मैसी कर चुके हैं बच्चे, क्योंकि जो है ये खेलते रहते हैं और फिर फैलाते रहते हैं। तो फिर मैं एक साथ इसको जो है समेट देती हूँ बार बार, मैंने कहा कौन समेटे, और ये लोग जब समेटो जब फैला देते हैं। तो उस टाइम अभी खाना भी पक रहा है, अभी मैं आपको किचन में भी लेके चलती हूँ। और हसन हसन नो ट्राई कीजिए हसन। और ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। हाय कीजिए, बोलिए मुझसे हाय। हाय। तो आप लोग जब भी देखा करें माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि प्यार की नज़र बच्चों को जो है वो लग जाती है। और आप लोगों से एक बात और मुझे करनी थी कि बिहाइंड द सीन्स आप लोगों के साथ थोड़ा सा वो ब्लॉग था वो शेयर करना था, वो इंशाल्लाह इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा कि जब हम चैलेंज करने से पहले कितनी प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है। ये सब आप लोगों के लिए ही हम करने थी मेहनत। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सकता है आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग बस एक लाइक का बटन दबा दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि आप लोगों के इस तरह करने से ही हमारी हौसला अफज़ाई होती है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो में इतना पता नहीं चलता, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हमें करना पड़ता है। पहले सारी सी बातें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर उस चीज़ को बनाना पड़ता है, फिर व्लॉग फिर चैलेंज के लिए उसको जो है वो अरेंज करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो एक चैलेंज की वीडियो तैयार होती है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर एडिटिंग होती है, फिर कभी कभी वॉइस ख़राब हो जाती है तो वॉइस ओवर भी करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे मराहल के बाद जो है फिर वो वीडियो एक अपलोड की जाती है। तो बस आप लोगों से मेरी की रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। खाली दवा का जो रैपर है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। जी जी नहीं करो ना, अच्छा सामने से तो ठीक है जी। तो बस आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हसन नो मुँह में नहीं लेते। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के एंड में जो है ये हुसैन आ गए, ये आप लोगों को हाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में जो है वो बिहाइंड द सीन ज़रूर, थोड़े से ज़्यादा क्लिप नहीं मैंने शूट किए हैं, वो थोड़ी सी हैं, तो आप लोग देखिएगा और यकीनन आप लोग इंजॉय करेंगे। तो चलें पहले हम किचन की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ आज हम लोग क्या बना रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मैं वो सीन सिखाती हूँ। यहाँ पे जो है मैं किचन में आ गई हूँ और इसमें हमारे यहाँ जो है वो कबाब का मिक्सचर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब इसके से यमी से कबाब बनेंगे। और इधर अभी मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ, अभी कुकर पर रखी हुई है। तो चले मैं आपको दाल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये दाल खड़े मसूर की दाल है और ये कुकर में ही मैं बनाती हूँ, और इसकी रेसिपी आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी और काफ़ी यमी बनती है। ये अभी सिर्फ जो है वो गली है, अभी इसमें जो है इसको काफ़ी इसमें जो है प्रोसेस है इसका अभी और भी है। तो चलें वो हम करते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अब मैं आपको मिलती हूँ जब ये फ्राई होगा तब। यहाँ पे जो है वो फ्राइंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे पहले जो है ये चिप्स फ्राई होने, उसके बाद फिर विंगर फ्राई होंगे। और इस टाइम सबको इतनी छठी पहले भूख लगी हुई है और टाइम टाइम हो रहा है 11:30 रात के। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किसको भूख लगती है रात में। तो चलिए अब जब विंगर फ्राई होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हो गया
जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। बस आप लोगों को दिखाना था बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है, और थोड़ी सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये हमारा व्लॉग और बिहाइंड द सीन पसंद आए होंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। आप रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।